हाय गाइस, मैं हूँ सलोनी दाइनी और मैं आज आपसे बातें करने आई हूँ navbharattimes.com पे। तो जैसे कि हम सबको पता है कि COVID-19 के बारे में और ये कितनी ज्यादा डेंजरस सिचुएशन हो चुकी है हमारे लिए, और हम सभी को आई होप कि आप ये वीडियो अभी घर पे बैठ के ही देख रहे हैं और हम सभी को अभी घर पे ही बैठना चाहिए और प्लीज बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ज्यादा फैल जाता है और बहुत डेंजरस है। लिटरली ऐसी सिचुएशन आ गई है कि रेस्ट इन होम और रेस्ट इन पीस। जो लोग 5 बजे आके विंडोज और बालकनीज में प्लेट्स बजा रहे थे, क्लैप कर रहे थे, उसे देख के मुझे एक अलग सी खुशी हो रही थी, क्योंकि आई वॉज फीलिंग सो प्राउड अबाउट ऑल दी डॉक्टर्स एंड ऑल दी वर्कर्स हु आर वर्किंग फॉर 24 आवर्स टू कीप अस सेफ। मैं भी पिछले 5 दिनों से घर पे ही हूँ, जो चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं 2-3 दिन घर पे बैठ सकती हूँ, लेकिन 3 दिन के ऊपर मैं घर पे बैठ के और कुछ नहीं कर सकती, तो मैं भी बहुत बोर हो रही हूँ। लेकिन हम सबको भी घर पे बैठ के ही काम करना है और बाहर नहीं जाना है। मैं जो सीरियल शूट कर रही हूँ, ये जादू है जिन का, वो भी पिछले 6-7 दिनों से शूटिंग बंद है और अभी बंद ही रहेगी जब तक सिचुएशन कंट्रोल में ना आ जाए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं घर पे बैठे बैठे 24/7 क्या क्या कर रही हूँ, ताकि आपको भी कुछ आइडियाज मिल जाए, ताकि आप भी कुछ कुछ देख के कर लो। चलिए, तो सबसे पहला दिन मेरा सेल्फ क्वारंटीन का कुछ ऐसा गया था कि मेरी बहन के साथ बैठ के, क्योंकि मेरी बहन बहुत अच्छी आर्टिस्ट है और बहुत अच्छा ड्राइंग करती है, मुझे बिल्कुल नहीं आता करना, तो मैंने उसके साथ बैठ के पेंटिंग की थी। और उसने मुझे सिखाया था कि कैसे हम खुद के इमेजिनेशन से हम कुछ पेंट कर सकते हैं। तो मेरी पेंटिंग बहुत ही बुरी है और ऐसा लगता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे ने पेंट किया हो। तो आप देख सकते हैं, मैंने कोरोना के बारे में कुछ कुछ ड्रॉ किया था, मैंने कोरोना बार बनाया था कि अगर ये सिचुएशन ऐसी ही रही तो बार्स भी कोरोना वाले बन जाएंगे और हमें सैनिटाइजर शॉट्स मिलेंगे और गौमूत्र बियर मिलेगी। तो आप ये ना बनाएं, लेकिन आप जरूर पेंट करें, क्योंकि जिनकी मैं स्टोरीज देख रही हूँ सभी लोग पेंट कर रहे हैं और पेंटिंग से बहुत मजा आता है, तो मुझे भी बहुत मजा आया। लेकिन अब Day 2 ऑफ माई सेल्फ क्वारंटीन, प्लीज डोंट जज मी, मैंने यूट्यूब से देख के थोड़ा सा सीखा है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो मैं बस ट्राई कर रही थी। तो मैं आपको बताती हूँ, गेस द सॉन्ग। पांचवें दिन मेरी मॉम ने मुझे झाड़ू पोछा बर्तन सब कराया, तो मैं एक्चुअली सब कुछ कर चुकी हूँ। और मैं हर दिन कुछ नया नया करने का ट्राई करती हूँ, तो आप लोग भी ट्राई करें। और मैं नए इनोवेटिव वीडियोस बनाने की भी कोशिश करूंगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही बेस्ट टाइम है अच्छे क्रिएटिव आइडियाज लाके वीडियोस बनाने का। तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप देखते रहिए, मैं कुछ वीडियोस पोस्ट करूंगी। और यस, स्टे इन होम एंड एंजॉय दिस टाइम।